नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट नंबर 6 ये रिकॉर्ड हो रहा है और अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, 26 को केमिस्ट्री का पेपर है, तो आपके साथ मैं अर्जुन मालविया और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो स्टूडेंट, अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा 7th पार्ट है और आप और मेहनत करें। कुछ क्वेश्चंस और बता रहा हूँ मैं आपको। राइट द नेम्स और मैथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ एनी टू इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड मतलब स्टूडेंट दो कीटाणुनाशक के नाम बताइए, वो बनाने के अभिक्रिया में कार्य लिखिए। वर्टिकल रिट्रॉट प्रोसेस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एलुमिना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से करके जाए आप। विशेष चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, स्टूडेंट ध्यान से करके जाए। जिंक के निष्कर्षण में प्रयुक्त ऊर्ध्वाधर रिट्रॉट विधि का वर्णन क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट कोरोजन आपको बता चुका हूँ। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, क्यों? H2O उदासीन है, न्यूट्रल, जबकि H2S अम्लीय एसिड है, क्यों? SO2 का प्रयोग एंटी क्लोर के रूप में किया जाता है, क्यों? अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? इंग्लिश में कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज टू ड्राई अमोनिया, व्हाई? नाइट्रोजन गैस है, फॉस्फोरस ठोस है, क्यों? नाइट्रोजन इज अ गैस, फॉस्फोरस सॉलिड, व्हाई? बात करते हैं स्टूडेंट कुछ और खास क्वेश्चंस की। लाल में सफेद फॉस्फोरस के किन्हीं चार गुणों की तुलना कीजिए। कंपेयर एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस। सोलवे समूह के तत्वों के हाइड्राइड की तुलना कीजिए। कंपेयर द हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। फिर स्टूडेंट ट्रैंकुलाइजर करके जाए, एंटीस्टामीन्स, प्रिजर्वेटिव, शिश्रित और नालंदा यूनिवर्सिटी। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, इंसेक्ट रिपेलेंट, ध्यान से करके जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन आ सकता है, जीनॉन अक्रिय गैस है लेकिन ये यौगिक बनाती है, क्यों? जीनॉन इज इनर्ट गैस, स्टिल इट फॉर्म्स कंपाउंड, व्हाई? राइट एनी टू यूजेस ऑफ आर्गन, ठीक है, आर्गन के कोई दो उपयोग लिखे स्टूडेंट। क्वेश्चन आ सकता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस। हार्डली पर क्लीपर पर क्वेश्चन स्टूडेंट बता चुका हूँ। एलिवेशन डिप्रेशन पर बचा चुका हूँ आप लोगों को। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सम पारसिविलियन स्टूडेंट ध्यान से करके जाए। नॉर्मेटिव फॉर्मेलिटीज, PPM, वेंट ऑफ फैक्टर, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी ध्यान से करके जाए स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्वेंचिंग, टेम्पेरिंग, लोहे का कठोरीकरण, तापोनुशीतन, हॉल और हेराल्ड की विधि, एक्सट्रैक्शन ब्लिस्टर कॉपर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड कॉपर, कॉपर पायरेट के मर्जित अयस्क से फफोलेदार तांबा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। राइट द नेम कंपोजिशन यूजेस ऑफ 4 एलॉय ऑफ आयरन। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री पर गर्म किया जाता है, क्या होता है? कॉपर को आर्द्र वायु में रखा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर, फेरिक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड गर्म करने पर, जिंक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। तो स्टूडेंट क्या होता है जब मैं ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन मी सिल्वर नाइट्रेट को रक्त तप्त करने पर सिल्वर नाइट्रेट इज हीटेड टू रेड हॉट। अर्जेंटाइट की NaCl से क्रिया, कॉपर सल्फेट के NH4OH से क्रिया और एल्यूमिनियम की छार से क्रिया, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद अल्कली। स्टूडेंट सीमेन मार्टिन की ओपन अर्थ प्रोसेस, ब्लास्ट फर्नेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट आयरन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंटीसिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन्स। फिर स्टूडेंट बात कर लेते हैं ट्रैंकुलाइजर, अभी बताया, सल्फर ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ध्यान से। सफ़ेद मूसली, कनाड, प्रिजर्वेटिव, तुलसी, जैसे पाँच कोई से आपको मेडिसिनल प्लांट्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान से कर जाएं। अश्वगंधा, शंख पुष्पी, नीम, तुलसी, हल्दी, बहेड़ा, इन सब कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। फिर उसके बाद कंपेयर द हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप, 15वें समूह के तत्वों से हाइड्राइड की तुलना कीजिए। फिर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस ध्यान से करके जाएं, उसका डायग्राम लेबल कर लें बिल्कुल। फिर स्टूडेंट हैमर्स प्रोसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कर जाएं आप। और स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं और अभी आज ये सीरीज ख़त्म कर दे रहा हूँ मैं। बस अभी कल एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन रहेंगे जो बच गए हैं या जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन और हाउ विल यू कन्वर्ट, जो कुछ थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स रह जाएंगे, बस वो और हम करेंगे। जब तक आप सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।